कैप्टन, आपने एक लंबा दौर अभी क्रिकेट का खेल कर आए हैं और अभी तकरीबन 2 महीने का और क्रिकेट आपको खेलना है, पूरी टीम को साथ में रहना है। पिछले कुछ दिनों से हमने मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं टीम मेंबर्स को लेकर, जिस तरह की चीजें होती हैं आपके और रोहित को लेकर कई सारी बातें लिखी जा रही हैं अलग अलग मीडिया में, अलग अलग बातें कही। आप इन बातों को यहां पर साफ करना चाहेंगे कि जो चीजें कही गई और जिस तरीके से कही गई उनके मायने क्या है, और क्या ये चीजें एज अ टीम कैप्टन और बाकी टीम मेंबर्स के लिए इफेक्ट करती हैं साइकोलॉजिकली और दूसरे तरीके से? देखिए, अगर मैंने भी बहुत कुछ सुना है पिछले कुछ दिनों में, तो सुनने में तो बाहर से ही मिलता है। तो अगर टीम का माहौल अच्छा नहीं होता तो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर और एक जो ट्रस्ट फैक्टर और एक जो माहौल है वो कितना ज़रूरी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सीड करने के लिए। तो अगर वो नहीं होती चीज़, तो मुझे नहीं लगता आज हम इस पोजिशन पर होते वर्ल्ड क्रिकेट में। और जो हमारी जर्नी रही है नंबर 7 से नंबर 1 तक, और ओडीआई क्रिकेट में इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, T20 में भी हम स्ट्रांग रहे हैं, वो कमराडरी और रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं हो सकती। तो यार ये मिडिल ऑर्डर का जो मुद्दा है वो अभी मुझे नहीं पता है, कोई क्रिस्टल मेज रख के बताना पड़ेगा आपको कि कैसे उस चीज को। ये बहुत सब्जेक्टिव, बहुत सिचुएशन बेस्ड चीजें होती हैं। आप कभी बोलते हैं आपका टॉप ऑर्डर बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जो आप डेफिनेटली मान सकते हैं, उसमें मिडिल ऑर्डर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जब अपॉर्चुनिटी 1 या 2 आती है उस पर हम जजमेंट करते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि मतलब उस चीज में बैलेंस कैसे बनाए। एज ए टीम आप क्या कोशिश करते हैं कि आपके 11 लोग जो सबसे स्ट्रांग है वो फील्ड पे जाएं और जब सिचुएशन आए वो परफॉर्म करके दें। लेकिन जब नहीं होता है और एक फैक्टर के बारे में बात बार बार होती है, तो वो बहुत सिंगल आउट करी जाती है चीज। ऐसा मैं इस चीज को एनालाइज करता हूं। आप अगर मैं मिडिल ऑर्डर प्लेयर हूं और मेरी बैटिंग ही नहीं आ रही किसी मैच में, और फिर एक मैच में बैटिंग आ रही है और उसमें अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको भी लगेगा कि यार इट्स नॉट फेयर टू एनालाइज और जज यू नो सो रेगुलरली। तो आई थिंक अगर टॉप ऑर्डर फेल होगा कंसिस्टेंटली, तो फिर आप फिर भी बोलेंगे नहीं ये लोग परफॉर्म कर चुके हैं, इनको थोड़ा टाइम दीजिए। बट मिडिल ऑर्डर जिसकी बैटिंग नहीं आती है, वो आई डोंट थिंक दैट यू नो इट्स राइट टू बी सो क्रिटिकल ऑफ देम। वी ऑब्वियसली वॉन्ट टू फाइंड पीपल हु कैन बी कंसिस्टेंट, हु कैन डू द जॉब रेगुलरली फॉर अस, एंड वी बैक द प्लेयर्स दैट वी थॉट यू नो वर गुड इनफ टू डू द जॉब, एंड दे हैव। आई मीन वी लॉस्ट इन द सेमीफाइनल्स बिकॉज द टीम प्लेड बेटर देन अस, एंड बिफोर दैट वी हैव डन सो वेल ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स। सो आई डोंट थिंक दैट देयर हैज बीन समथिंग वेरी अलार्मिंग अबाउट where the Indian team is placed. See, if I'll tell you something about myself. If I don't like a person or if I'm insecure of a person, you will see that on my face or in my behavior towards the person, and that's how simple it is. I've always praised Rohit whenever I've had an opportunity because I believe he is that good. We have had no issues, right? As I said, it's baffling, to be honest. I don't know who is benefiting from all of this. We here are living, breathing, working towards getting Indian cricket to the top. And here people want to, you know, get some kind of pleasure in bringing it down. I don't understand how that works. I mean, you work hard for 4 years to bring a team from 7 to 1. And after 4 years, what are we talking about? I mean, we have to reflect as cricketers. I'm sure that, you know, everyone can sort of take a step and think, guys, are we really like creating something that's not out there? Because within the team, as I said, it's for everyone to see what kind of camaraderie and friendship, and it's evident on the field. Because you can't play with that kind of passion if people don't get along with each other. It's as simple as that. So, as I said, it's baffling, and it's time that, you know, we focus on taking Indian cricket forward and not on things that are not even there. ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आज शिवनेर प्राइमला सबस्क्राइब करा आणि नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।